So good morning children, class 10, narration. Aaj we are going to do the next sentence, that is interrogative sentence. Pichli class mein we did, I think, kaun sa kiye the, agar remember ho to, shayad assertive. To dhyan rakhein aap, assertive kiye the, aaj interrogative kar rahe hain. Lekin before moving to our classes further, जरा एक दो बात आप लोगों से क्लैरिटी में डाल दो. नरेशन अपने आप एक वास्ट है, एक्सटेंशन है इसकी. बहुत सारे इसके रूल्स रेगुलेशंस फॉलो करने होते हैं इसके सेंटेंसेस को डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करने के लिए. उस पर भी हमने बहुत सारी बातें की, बहुत सारे क्राइटेरिया फॉलो करने होते हैं, फिर फाइव टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस पे भी डिपेंड होता है. सब बातों को ध्यान में रखते हुए हम स्मूथली लेके जा रहे हैं, इसलिए कई क्लासेस इसमें लगे, क्योंकि रन एंड डू वाला बात नहीं होना चाहिए, दौड़ के करने वाली. रिलैक्स होके करें, प्रॉपर करें, मुझे भी सेटिस्फेक्शन हो और आपको भी. वैसे भी वी आर वेरी सून गोइंग टू मीट इन द स्कूल इटसेल्फ, और लॉकडाउन के बाद तो हम लोग मिल ही रहे हैं स्कूल में, तो जो भी ट्रबल होगी वी विल सॉर्ट इट आउट इन द क्लास. तो यहां मुद्दा ये नहीं है कि क्लैरिटी हुआ नहीं हुआ, क्लैरिटी करने की पूरी कोशिश है, लेकिन ऑनलाइन है ना, हम वीडियो बनाकर डाल रहे हैं तो हम लोग डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं कर सकते, तो वो हम कर लेंगे आफ्टर द स्कूल विल रीओपन. तो ये तो था भाई आपको समझाना कि थोड़ा सा पॉजिटिव थॉट के साथ आप लोग पढ़ें, बिकॉज वी आर रियली वर्किंग वेरी हार्ड फॉर यू ऑल. वी आर प्रिपेयरिंग नोट्स. पता है आपको, ये नोट्स बनाने के लिए हम वर्क करते हैं, पॉइंट्स निकालते हैं आपके लिए और यहाँ नोट डाउन करते हैं, ताकि आपके पास एक कलेक्शन हो जाए पूरा का पूरा, ना पढ़ने के बजाय कुछ खास हाईलाइट्स. तो मूविंग फर्दर, अब बात करते हैं कि हम टॉपिक आज जो करने वाले हैं उस पर. टूडे वी आर गोइंग टू डू नरेशन में, क्लास 10 नरेशन में ग्रामर का इंटेरोगेटिव. इंटरोगेटिव सेंटेंसेस में जो आज हम करने जा रहे हैं, इंटरोगेट करना यानी कि क्वेश्चन करना, ये आपका प्रश्नवाचक वाक्य होता है, ये आपका क्वेश्चन अराइज करने के लिए क्वेश्चन आस्किंग सेंटेंसेस होते हैं. सेंटेंसेस के बारे में हर एक को हम ऐसे ही इंट्रोड्यूस कराकर फिर फर्दर मूव करेंगे. एसर्टिव आपने देखा, सिंपल स्टेटमेंट. इंटरोगेटिव, दीज आर द स्टेटमेंट सेंटेंसेस विच आर यूज टू आस्क क्वेश्चन, टू मेक क्वेरी, सवाल करने के लिए, और इसका एंडिंग तो पता ही आपको, क्वेश्चन मार्क होता है. तो इसमें कुछ रूल आपको फॉलो करनी है. आई थिंक देयर आर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10. दूसरी बात बच्चों, आप लोगों का कुछ देखते हैं सैटरडेज को या फिर एवरीडे, अब तो 1 आवर के लिए आप लोगों को मौका मिलता है टू क्लियर योर डाउट्स या क्वेश्चंस का. ये छोटी छोटी चीजें नहीं अराइज करें कि क्लियर नहीं हो रहा है, दिख नहीं रहा है, अरे थोड़ा सा जूम इन करो तो थोड़ा सा आ जाएगा क्लियर. सभी टीचर्स चाहते हैं कि आपको प्रॉपर दें, तो थोड़ा सा प्लीज राइटिंग पर क्लैरिटी होनी चाहिए अक्षर समझ में, और बड़ा और छोटा जो जूम इन जूम आउट करके करोगे ना, हो जाएगा. और ये कोई बहुत मेजर ट्रबल नहीं, क्योंकि मैं डिक्टेट भी कर रहा हूं, डिस्कस करूंगा, डिक्टेट करूंगा, तो वर्ड्स तो वैसे भी सुनाई दे रहे हैं, तो उसके हिसाब से आप अपना कर लें. नाउ फॉर रूल्स पे बात करें तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10 सब पर बेस्ड मैं एग्जाम्पल भी करवाऊंगा आपको, हर टॉपिक पे बेस्ड एग्जाम्पल्स करेंगे. पहले लेट अस डिस्कस द टॉपिक. इंटरोगेटिव सेंटेंस यूज टू आस्क क्वेश्चन. आई होप मैं अगर कंटिन्यूटी के इंग्लिश भी बोलू देन ऑल्सो इट्स ओके, यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड. तो वट इज द डिमांड ऑफ दिस इंटरोगेटिव सेंटेंस एंड वी आर डूइंग वो रूल, दोज रूल्स इन विच वी आर अंडरस्टैंडिंग हाउ टू कन्वर्ट डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट. नाउ जब क्वेश्चन राइज करता है, वेन आस्क क्वेश्चन इन डायरेक्ट स्पीच, तो वहां पर आपको पता है सेड और सेड टू हो सकते हैं. एंड इन दिस टू दिज आर कौन सा वर्ब, शायद मुझे बताने की जरूरत नहीं थी, फिर भी चूंकि हैबिचुअल है कि हम डिस्कस करते हैं हर टॉपिक को, दिज आर कॉल्ड रिपोर्टिंग वर्ब. तो रिपोर्टिंग वर्ब सेट और सेट टू के जगह पर अब आप चूंकि इंटरोगेटिव सेंटेंस है, आप यूज करेंगे या तो आस्क्ड, या तो इंक्वायर्ड, या तो डिमांडेड, या तो इंटरोगेटेड. ऐसे शब्दों का आप यूज कर सकते हैं. ऐसे का मतलब सबका यूज नहीं करना है, अकॉर्डिंग टू द अंडरस्टैंडिंग ऑफ द सेंटेंस, कि सेंटेंस की अंडरस्टैंडिंग आपके अकॉर्डिंग क्या है. तो आस्क्ड, इंक्वायर्ड, डिमांडेड और इंटरोगेटेड ऑप्शनल, इनमें से कोई भी यूज कर सकते हैं. लेकिन भाई बार बार ध्यान देने की बात है, जो रिपोर्टेड स्पीच है उसको आप कैसा समझते हो, हाउ यू अंडरस्टैंड इट. अब बारी आती है सेकेंड वाली बात की, कि क्वेश्चंस यानी क्वेश्चन अराइज होने की बात है, कौन सा क्वेश्चन होगा इन्वर्टेड कॉमा के अंदर जो रिपोर्टेड स्पीच है. अगर इट बिगिंस विद या क्वेश्चन अगर बनता है आपके
हेल्पिंग वर्ब से, और हेल्पिंग वर्ब का कलेक्शन आई थिंक यू ऑल वेरी वेल नो, इज एम आर वॉज वेयर हैज हैव एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा. तो उसमें इज भी हो सकते हैं, वॉज भी हो सकता है, हैज, मैंने दो तीन एग्जाम्पल से ले लिया है ऐसे आपको हिंट देने के लिए कि इसका कलेक्शन कितना है, यू ऑल नो वेरी वेल. तो इज वॉज हैज से अगर कोई क्वेश्चन अराइज होता है, क्योंकि आपको पता है देर आर क्वेश्चन जब हम अराइज करते हैं देर आर टू टाइप्स ऑफ मेथड, नंबर एक डब्ल्यू एच फैमिली से, नंबर दो हेल्पिंग वर्ब से. अगर मैं एक एग्जाम्पल दू तो हु आर यू, डब्ल्यू एच ग्रुप से हुआ. हाउ आर यू, वेर आर यू गोइंग, व्हाट इज योर नेम, दीज आर द इंटरोगेटिव सेंटेंसेस बिगिनिंग विथ, दिस सेंटेंस आर बिगिनिंग विथ डब्ल्यू एच ग्रुप ऑफ वर्ड्स, हु व्हाट व्हिच व्हेन वेयर. क्वेश्चन अराइज करने का एक और तरीका है हेल्पिंग वर्ब से, इज एम आर से, इज दिस योर बुक, आर यू गोइंग टू स्कूल टूडे, वॉज ही हेल्पिंग यू, वेर यू नोटोरियस इन द क्लास. तो ऐसे जो वर्ड हेल्पिंग वर्ब से आप क्वेश्चन जो राइज करते हैं उसी के लिए कहा गया है कि हेल्पिंग वर्ब से क्वेश्चन जो पूछा जाता है हेल्पिंग वर्ब से, तो यू हैव टू यूज इफ एंड एंड नहीं और वेदर, या तो इफ करें या तो वेदर करें. सोलवेंट के लिए मैक्सिमम बच्चे इफ यूज कर लेते हैं, वेदर भी यूज करेंगे डजंट मैटर, छोटा है ना टू लेटर वर्ड, तो इफ यूज कर लेते हैं. अब ये आएगा कहां से, यू रिमेंबर इन्वर्टेड कॉमा हटके दैट लगता था, तो दैट नहीं आकर इफ या वेदर आएगा, एंड दिस इज योर कंजक्शन. तो दैट कंजक्शन वाला बात खत्म हो रहा है किसमें, इंटरोगेटिव सेंटेंस में. यू हैव टू यूज आइदर इफ और वेदर, लेकिन कब, देयर इज अ कंडीशन, ये तब जब यू आर यूजिंग या देयर इज अ क्वेश्चन विथ हेल्पिंग वर्ब. यानी कि राम सेड टू मोहन कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, अब आ रहे रिपोर्टेड स्पीच, उसमें हो जाएगा अगर मैं इससे करता हूं तो, इज ही योर ब्रदर, इन्वर्ट क्वेश्चन मार्क इन्वर्टेड कॉमा क्लोज. तो यहां पे मैंने जो रिपोर्टेड स्पीच किया है वो इससे शुरू की है, एंड दैट इज हेल्पिंग वर्ब. तो ऐसे में जब कन्वर्ट करेंगे हम इनडायरेक्ट को डायरेक्ट में, तो इन्वर्टेड कॉमा की जगह आइदर इफ या वेदर लगाएंगे. आई होप अंडरस्टूड. अगला बढ़ते हैं नंबर थ्री पे. अगर क्वेश्चन अराइज होता है विद डब्ल्यू एच फैमिली, मुझे लगता है थोड़ा सा क्लियर नहीं दिख रहा है, लेकिन इसलिए मैं डिक्टेट कर रहा हूं. क्वेश्चंस विद डब्ल्यू एच फैमिली, डब्ल्यू एच फैमिली में अभी मैंने बात कर ली, कई शब्द आते हैं, कई वर्ड्स आते हैं, हु व्हाट व्हिच एक्सेट्रा एक्सेट्रा. तो डब्ल्यू एच फैमिली से अगर कोई क्वेश्चन होता है, जैसे कि राम सेड टू मोहन कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, व्हाट आर यू डूइंग टूडे, तो मैंने डब्ल्यू एच ग्रुप से याद स्टार्ट किया क्वेश्चन, हेल्पिंग वर्ब नहीं लिया. तो दिस इज द थर्ड वन, कि डब्ल्यू एच ग्रुप से अगर, डब्ल्यू एच फैमिली से अगर क्वेश्चन अराइज होता है, दैट इज रिपोर्टेड स्पीच में इन्वर्टेड कॉमा के अंदर, तो कंजक्शन नहीं लगेगा. एंड कंजक्शन नहीं लगेगा मतलब इफ वेदर दैट कुछ नहीं, आपका आंसर डब्ल्यू एच ग्रुप से ही स्टार्ट हो जाएगा, यानी कि जब डायरेक्ट से इनडायरेक्ट, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट करते हैं. हो गया, आई थिंक ये मैं जो समझाना चाह रहा हूं, आई होप यू ऑल आर गेटिंग इट क्लियरली. एक दो बार सुनेंगे तो आ जाएगा, बाकी मैं बार बार कह रहा हूं, अंडरस्टैंड कीजिए, नोट्स तैयार कीजिए, डाउट होगा हो सकता है आप क्या बोलते हैं कमेंट बॉक्स में भी डाल सकते हो, कोई ट्रबल नहीं. लेकिन स्कूल रीओपन होंगे तो ऐसा नहीं सोचना है कि हमारी पढ़ाई हो गई, दैट्स ऑल, आगे नहीं बात करेंगे. वी हैव टू एंड वी विल डिस्कस इन द क्लास सारे मैटर्स. तो आपका हो गया नो कंजंक्शन. कब नो कंजंक्शन, जब डब्ल्यू एच फैमिली से आपका डब्ल्यू एच वर्ड से, कोई भी डब्ल्यू एच ग्रुप वर्ड से आपका रिपोर्टेड स्पीच की बिगिनिंग होगी. नेक्स्ट वन इज रिप्लेसिंग क्वेश्चन मार्क विद फुल स्टॉप. वेरी वेल नोन भाई, इंटरोगेटिव सेंटेंस है तो क्वेश्चन मार्क से एंड होगा, लेकिन जब इनडायरेक्ट करते हैं तो क्वेश्चन मार्क हटकर फुल स्टॉप में कन्वर्ट हो जाएगा. नेक्स्ट वन इज हेल्पिंग वर्ब्स आफ्टर सब्जेक्ट. ये थोड़ा सा ध्यान देने की बात है. क्या ध्यान देने की बात है, कि जब कभी भी हेल्पिंग वर्ब से क्वेश्चन हो रहा है, जैसे मैंने अभी बोला कि इज ही योर ब्रदर इन्वर्टेड कॉमा के अंदर है, अगर इज ही योर ब्रदर, तो गौर करने की बात क्या है कि इसका जो फॉर्म आप चेंज करोगे टेंस के अकॉर्डिंग, तो ऑब्वियसली इसका वाज होगा, तो ही पर्सन के अकॉर्डिंग चेंज हो जाएगा. तो ये जो इज और ही है, ये दोनों का रिप्लेस हो जाएगा चेंज, ये ही पर्सन के अकॉर्डिंग चेंज होकर आगे आ जाएगा और इज टेंस के अकॉर्डिंग चेंज होकर बाद में चला जाएगा. इसलिए मैंने लिखा हुआ है कि हेल्पिंग वर्ब्स आफ्टर सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट आप जानते हो कहां है, इन्वर्टेड कॉमा के अंदर, वर्ब के बाद तुरंत जो आता है
इंटरोगेटिव सेंटेंस की बात वो आपका सब्जेक्ट हो जाएगा आगे, और जो क्वेश्चन इंक्वायर करने वाला जो वर्ड है वो चला जाएगा पीछे, दैट ऑल्सो हेल्पिंग वर्ब। एक एग्जाम्पल, राम से टू मोहन कॉमा इनवर्टेड कॉमा इज ही योर फ्रेंड। राम asked मोहन इफ, इज ही था ना, तो ही वॉज योर फ्रेंड। तो आई थिंक रिप्लेसमेंट समझ में आ रही है आपको। उसके बाद मूव करते हैं आगे, इफ क्वेश्चन, इफ क्वेश्चन इज विथ डू और डज, वो भी इन पॉजिटिव सेंटेंस। तो अब सवाल है कि डू डज पॉजिटिव है तो डू डज नेगेटिव में भी आ सकते हैं। एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं, है ना, डू यू स्टडी वेल, डू यू नॉट स्टडी वेल। यहां पे डू से इस्तेमाल किया हमने, पॉजिटिव सेंटेंस पहला वाला था डू यू और दूसरे में था डू यू नॉट, यानी कि क्या नेगेटिव सेंटेंस। तो अगर डू डज से कोई सेंटेंस की बिगिन होगी, यानी कि क्वेश्चन राइज करने के लिए ऐसे शब्द का इस्तेमाल हो रहा है इन रिपोर्टेड स्पीच, तो उसका मेन वर्ब चेंज हो जाएगा, मेन वर्ब चेंज होगा। मेन वर्ब मीन्स जैसे कि सवाल, एक एग्जांपल लेते हैं कि डू यू स्टडी वेल, उसको कन्वर्ट करते हैं डू यू स्टडी वेल, तो डू का डिड हो जाता है। ये कब, जब हम आगे बढ़ेंगे। डिड हो जाता है कब, जब हमारा उस डू के तुरंत बाद मेन वर्ब ना हो। यहां हम बात कर रहे हैं कि क्वेश्चन डू डज से, वो भी पॉजिटिव सेंटेंस, तो फिर आपका चेंज होगा सिर्फ मेन वर्ब, डू डज चेंज नहीं होंगे। आई विल गिव यू एन एग्जांपल क्लैरिटी करने के लिए वेरी सून, इसको रफ करके हम एग्जांपल भी करने जा रहे हैं। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, इफ क्वेश्चन इज विथ डू और डज, लेकिन इस बार नेगेटिव होगा, तो फिर वही डू आपका बदल जाएगा डिड में। तो पॉजिटिव सेंटेंस में डू डज चेंज नहीं होंगे, आपका मेन वर्ब बदलेगा, और नेगेटिव सेंटेंस में आपका डू डज चेंज होकर डिड हो जाएगा। मैं इन सबका एक एग्जांपल दे रहा हूं सो दैट इट वुड बिकम इजी फॉर यू टू गेट इट क्लियरली। अब आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन विथ डिड हैज है, अगर इनसे होते हैं तो ये भी तो हेल्पिंग वर्ब है, ये भी तो हेल्पिंग वर्ब है, लेकिन आपका क्या ये पास्ट है, ये दोनों प्रेजेंट का है, तो हमेशा ऐसे वर्ब्स को चेंज कर देंगे हैड में, क्योंकि आप जानते हो सिंपल प्रेजेंट सिंपल पास्ट, तो प्रेजेंट परफेक्ट यानी कि पास्ट परफेक्ट, ठीक है, और सिंपल पास्ट भी पास्ट परफेक्ट की पहचान हैड वी थ्री। नेक्स्ट इज क्वेश्चन विथ हैड अगर है तो, अब क्वेश्चन ही हैड से हो तो देयर इज नो चेंज, हैड विल रिमेन हैड, अंडरस्टूड हो रहा होगा। एंड फाइनली जानते हैं हम बहुत सारे रूल्स पढ़ते हुए आए हैं कि प्रोनाउन दैट इज फर्स्ट पर्सन सेकंड पर्सन थर्ड पर्सन में थर्ड नहीं होता, फर्स्ट सेकंड अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट, वर्ड्स प्रेजेंट टू पास्ट, मिसलेनियस नाउ का देन दिस का दैट, ये चेंजेस अकॉर्डिंगली होते रहेंगे। सो होप दैट यू ऑल हैव अंडरस्टूड दिस पॉइंट्स, दीज आर द पॉइंट्स विच आई हैव नोटेड डाउन फॉर यू टू मेक यू इजी टू अंडरस्टैंड, क्योंकि अब हम जब करेंगे तो इन्हीं बातों पे डिस्कस करेंगे। सो टेक 2 मिनट्स, नोट इट डाउन, आई एम गोइंग टू रब इट आफ्टर सम टाइम। ओके चिल्ड्रन, अब आती है बारी कुछ क्वेश्चंस, मैंने कुछ क्वेश्चंस आपके लिए कलेक्ट किया हुआ है, मैं क्वेश्चन लिखूंगा और सॉल्यूशन करके आपको बताऊंगा कि वो सारे रूल्स जिस पे हमने बात की थी वो कैसे होगा सर। मान लेते हैं हम पहला सेंटेंस लेते हैं, दैट इज दे, नहीं ये चॉक क्लियर नहीं देगा, दे सेड टू हर, दे सेड टू हर, आर वी वेस्टिंग योर टाइम, आर वी वेस्टिंग योर टाइम,
सो दिस इज योर क्वेश्चन, डायरेक्ट स्पीच इसका आंसर है। आप जानते हो दे होगा, सेट टू आपका क्या बनेगा, आस्क्ड, क्योंकि इंटरोगेटिव सेंटेंस। हर्ड, अब बारी आती है रूल की, जरा गौर करें। हेल्पिंग वर्ब है इफ, अब उसके बाद आपका पहला रूल क्या था, जगह बदलने की। आई थिंक यू रिमेम्बर, जगह बदलने की। तो ये वी किसके अकॉर्डिंग चेंज हो जाएगा, तो सर वी है फर्स्ट फॉर्म पर्सन का, सॉरी फर्स्ट पर्सन, तो फर्स्ट पर्सन का इसके अकॉर्डिंग, सो क्या हो जाएगा आपका दे। और आर विल गेट चेंज टू वर, वेस्टिंग देयर, सॉरी नहीं ये योर है ना, योर किसके लिए है, दिस इज, दिस इज सेकंड पर्सन ना, तो इसके अकॉर्डिंग हर। तो फर्स्ट रूल जो हमने बात की थी उसके अकॉर्डिंग क्या था कि सर हेल्पिंग वर्ब से अगर क्वेश्चन होते हैं और उसको हम कन्वर्ट करते हैं तो आगे आ जाएगा, चेंज पोर्शन पीछे चला जाएगा। तो क्या था रूल, रूल था कि क्वेश्चन हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट के बाद चला जाता है, हेल्पिंग वर्ब शिफ्ट आफ्टर सब्जेक्ट, दिस इज योर सब्जेक्ट। तो वो पहला रूल क्लियर। सेकेंड में चलते हैं, दूसरा क्वेश्चन है आपका, ये क्वेश्चन कलेक्शन है आपके लिए, मैं सॉल्यूशन करके एक एक समझा रहा हूं। एंड नेक्स्ट वन इज, ही सेड टू मी, डू आई सिंग ए सॉन्ग नाउ, ही सेड, ही सेड टू मी, डू आई सिंग ए सॉन्ग नाउ। इसमें आपका जो सेकेंड रूल था एंड दैट वॉज कि पॉजिटिव में हो तो आपका डू हट जाता है ना, ही सेड टू मी, इफ डू डज आस्क क्वेश्चन देन रिमूव इट, आपका वो हट जाएगा पॉजिटिव सेंटेंस में, ठीक है ना। तो क्या होगा आपका आंसर, कि ही आस्क्ड मी, डू आई सिंग ए सॉन्ग नाउ, तो ये हटा, मेन वर्ब आपका चेंज होगा और वो चेंज होकर क्या बन जाएगा, ये आई आपका इसके अकॉर्डिंग, इफ ही डू विल गेट ऑफ, क्योंकि पॉजिटिव सेंटेंस है, सिंग का आ जाएगा और नाउ हो जाएगा। मैं उम्मीद करता हूं कि शायद आपको समझाने में सक्सेसफुल रहा। He said to me, do I sing a song now? He said to change to asked, remain like this, inverted comma की जगह if I according to subject, तो he, do finish off हट जाएगा because positive sentence है, sing हट के बन जाएगा sang, जो कि simple present, simple past हो जाता है, is song, miscellaneous change में then. Next चलते हैं, he said to me, again. He said to me, फिर से do करते हैं लेकिन इस बार negative लेते हैं, do I not accept your proposal, do I not accept your proposal, दिस इज योर नेगेटिव। तो इसको आप चेंज करेंगे कैसे, जरा देखते हैं। ही आस्क्ड मी, ही आस्क्ड मी इफ अब यह है, डू आई नॉट एक्सेप्ट योर प्रपोजल, डू आई नॉट एक्सेप्ट योर प्रपोजल, तो आपका ये चेंज हो जाएगा डिड में, तो क्या हो जाएगा आई इसके अकॉर्डिंग, इफ ही डिड नॉट एक्सेप्ट का एक्सेप्ट रह जाएगा क्योंकि डू का आप डिड कर दिए हो, अब ये योर सेकंड पर्सन,
तो किसके जगह? यस माय प्रपोजल, ये वर्ड सेम टू सेम नीचे आ जाएगा, मैं लिखी दू यार प्रोपोजल, पी आर ओ पी ओ एस ए एन। चलिए अब इसको एक बार और रिपीट करते हैं, समझते हैं। He said to me, do I not accept your proposal? He asked me, inverted comma की जगह, if do I, पता है ना change place, तो I according to this, तो he do gets into did, क्यों? क्योंकि negative, और यहां बात थी positive, यही ध्यान में देना था आपको कि positive में do हटता है, जो मेन वर्ब उसका टेंस चेंज हो जाता है, और नेगेटिव में डू का ही डिड होता है और मेन वर्ब एज यूजुअल है। तो क्या समझ गया? इसी को उस वक्त क्लियर करना था, आई थिंक मैं जिस तरह से बोला शायद नहीं क्लियर हुआ होता, लेकिन एग्जांपल विल मेक यू अंडरस्टैंड वेरी इजीली। तो डू आई नॉट एक्सेप्ट योर प्रपोजल, तो इफ ही डिड नॉट, आई का ही अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट क्या सब्जेक्ट फर्स्ट पर्सन, डू का बिकम्स डिड क्योंकि नेगेटिव है, क्योंकि डिड नॉट, accept will remain your according to this again and proposal. चलिए next चलते हैं अगले example की ओर। She said to them, have you revised your lesson? She said to them, said to them। बच्चों अगर clear ना हुआ पूरा अक्षर तो मैं dictate कर रहा हूं, थोड़ा सा trouble है, हो सकता है लिखते लिखते इसका भी और चौक का भी। She said to them, have you revised your lesson? Have you revised your lesson? यहां पे क्या सर has have had याद आ रहा है? तो ऐसे में क्या करेंगे, ये चेंज होगा सिंपल पास्ट परफेक्ट ना, प्रेजेंट परफेक्ट चेंजेस टू पास्ट परफेक्ट। तो मैं सिंपल इसलिए बोल गया कि मैं पूरा आ रहा था, सिंपल प्रेजेंट सिंपल पास्ट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस पास्ट कंटिन्यूअस, तो प्रेजेंट परफेक्ट पास्ट परफेक्ट। अगर यहां हैड होता खाली तो फिर ही पास्ट परफेक्ट होता, क्योंकि सिंपल पास्ट भी पास्ट परफेक्ट बनता है। तो शी सेड टू देम, क्या क्वेश्चन? शी सेड टू देम, हैव यू रिवाइज योर लेसन? डन, जवाब शी, दिस इज योर व्हाट, इनडायरेक्ट, she asked them, है ना, if you, किसके लिए? सेकेंड पर्सन है तो they, have चेंज हो जाएगा had, revised क्योंकि ऑलरेडी वी थ्री have के साथ, तो had के साथ भी। अगर यू बन गया दे तो योर हो जाएगा देयर, पी एच ई आई आर देयर, और लेसन विल रिमेन लेसन। हो गए ये, चले कुछ एग्जांपल्स और है, तीन आते हैं, आई थिंक इसको मिटा देना चाहिए, आप लोग इसको नोट डाउन कर लिए होंगे। सो लेट अस गो टू द नेक्स्ट एग्जांपल। आई होप रिमेंबर यहां चेंज ऑफ सब्जेक्ट एंड वर्ब का प्लेस, यहां पे डू पॉजिटिव सेंटेंस में हट तो जाएगा बट मेन वर्ब चेंज हो जाएगा, सैंग सिंग का सैंग, डू नेगेटिव सेंटेंस में डिड हो जाता है, मेन वर्ब रह जाता है, हैव कहां गया, यस हैव चेंजेस टू हैड, और इस तरह से वी आर मूविंग टू द नेक्स्ट एग्जांपल जो रूल के अकॉर्डिंग है, जो हमने ऊपर लिख रखा था। चलिए आते हैं अब नेक्स्ट वन, दैट इज हैड को लेकर, एक हैड पे भी बात कर लेते हैं। ही सेड टू मी, हैड यू ब्रोकन माय स्लेट? ही सेड टू मी, हैड ही सेड टू मी, हैड यू ब्रोकन माय स्लेट? Had you broken my slate?
सो इसका आंसर क्या होगा, ही आस्क्ड मी इफ आई हैड हेल्पिंग वर्ब ना, तो इफ यू किसके लिए, दिस इज योर कौन सा पर्सन सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ना, ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट यस सेकेंड पर्सन ऑलवेज विद द ऑब्जेक्ट, तो इफ आई अब ये हैड विल रिमेन हैड पता ना जगह चेंज, आई हैड ब्रोकन अब माय इज फर्स्ट पर्सन सो हिज स्लीप होप कंफ्यूजन नहीं हो रही होगी, क्लियर है। अब बताते हैं ये रूल्स रेगुलेशंस इसलिए जानना जरूरी है कि क्लास टेन ध्यान देना आपके एग्जाम के फॉर्मेट के अकॉर्डिंग आपको अलग अलग सेंटेंसेस नहीं मिलेंगे, आपको एक कन्वर्सेशन मिलेंगे डायलॉग राइटिंग और उस डायलॉग को इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट करना होता है, डायलॉग इज ऑलवेज रिटन इन डायरेक्ट, उस कब में कैसे लिखा होता है डायरेक्ट में, उसको इनडायरेक्ट में बनाना है, तो ये रूल्स रेगुलेशन थोड़ा सा रिविजन हो जाना जरूरी है, कैसे छोटी छोटी बातों को ध्यान देना है और फिर अकॉर्डिंगली जब हम ये खत्म करेंगे तो हम कुछ क्वेश्चन और करेंगे उसमें से भी, तो होगा अच्छी प्रैक्टिस होगी। तो हमारा आंसर हो गया कि ही सेड टू की जगह आस्क्ड मी इनवर्टेड कॉमा की जगह इफ, क्योंकि हेल्पिंग वर्ब चेंज हो जाएगा ये यू सेकंड पर्सन, तो इसके अकॉर्डिंग आई हैड विल रिमेन हैड ब्रोकन विल रिमेन ब्रोकन माय अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट हिज स्लेट का स्लेट, तो आंसर हो गया ही आस्क्ड मी इफ आई हैड ब्रोकन हिज स्लेट। तो ये तो थे आपके वो रूल्स 1 2 3 4 5 ना जो आपने लिखे थे नोट्स में और उसके अकॉर्डिंग मैंने चेंज करा। अब जरा चलते हैं WH फैमिली पे, अभी हमने बात नहीं की थी सो लेट अस टॉक अबाउट WH ग्रुप, WH ग्रुप पे बात कर लेते हैं। सो सर WH ग्रुप यानी WH फैमिली से अगर क्वेश्चन राइट हो यानी इंटरोगेटिव सेंटेंस में WH ग्रुप रिपोर्टेड स्पीच में डाला जाए तो व्हाट विल हैपन, तो सर उसके भी मैंने लगभग दो एग्जांपल आपके लिए नोट डाउन करके रखे हुए हैं क्योंकि काफी क्वेश्चंस हैं तो एक जगह क्लस्टर कर दिया है, आपको इजी होगा लिखने में, मेरे लिए भी इजी होगा कि आपके पास एक परफेक्ट रहे सेंटेंसेस फॉर रिवाइजिंग। तो शी सेड टू मी, सी सेड टू मी, अब आते हैं WH फैमिली से, हु टीचेस यू इंग्लिश, टीचेस यू इंग्लिश। चलिए अब आगे WH ग्रुप में, शी सेड टू मी हु टीचेस यू इंग्लिश, तो शी आस्क्ड मी, अब आपका WH ग्रुप स्टार्ट हुआ तो आपका कंजक्शन यहां पे कुछ नहीं लगेगा, सीधा स्टार्ट करेंगे आप हु से, हु टीचेस का सेकंड फॉर्म टॉट, बिगेस्ट ट्रबल हु टीच का टॉट ये यूज सेकंड, इसके अकॉर्डिंग ठीक है ना टीचेस मी इंग्लिश, सो क्वेश्चन इज ही सेड टू मी हु टीचेस यू इंग्लिश, आंसर ही आस्क्ड मी हु टॉट मी इंग्लिश, यानी आपका चेंज क्या हुआ, नथिंग, इनवर्टेड कॉमा हटा, WH ग्रुप है सेम वर्ड आया और पास्ट बन गया जो कि रूल के अकॉर्डिंग। एक और करते हैं, शी सेड टू अस, शी सेड टू अस why are you disturbing आंसर, शी आस्क्ड अस वाई वी वेयर, वाई कोई चेंज नहीं, चेंज हो गए ये वी क्यों, वी
आर का वर्ड टेंस का चेंज, आर डिस्टर्बिंग तो वर्ड डिस्टर्बिंग, क्लियर नहीं है तो मैं डिक्टेट कर रहा हूं लाउडली, दिस इज डिस्टर्बिंग, डी आई एस टी यू आर बी आई एन जी, डिस्टर्बिंग, और मी इसके तरह ना तो हाँ। तो क्या आंसर हो गया, शी आस्क्ड अस, व्हाई आर यू तो वी वर्ड इसके अकॉर्डिंग डिस्टर्बिंग। सो दस वी आर फाइनलाइजिंग टूडे द इंटरोगेटिव सेंटेंस नरेशन का। इसमें कुछ चीजें थी जिस पर बहुत फोकस करने की जरूरत थी, बहुत ध्यान देने की जरूरत थी, जो मैंने लिखवा दिए हैं। ऐसा नहीं है कि आज कर दिया तो कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट क्लास, अभी मैंने इसका होमवर्क नहीं दिया हुआ है, एग्जाम्पल्स हमने कर लिए, नोट्स हमने कर लिए, डिस्कशंस भी हमने कर लिए, और एग्जाम्पल के थ्रू आपको एक्सप्लेन किया, दैट ऑल्सो आई थिंक इट विल बी ओके फॉर यू। तो क्वेश्चन जब मिलेगा आपको करने के लिए, आई विल गिव यू सम होमवर्क इन द नेक्स्ट क्लास, लेकिन बिफोर गिविंग द होमवर्क आई वुड लाइक टू रिवाइज द होल थिंग दैट वी डिड टूडे इन द नेक्स्ट क्लास, और तब जाकर एक कमांड बनाएंगे एंड यू विल डू द होमवर्क। सो थैंक यू फॉर द डे टूडे चिल्ड्रन, होप दैट आपको समझ में आ रहा होगा और आया होगा, अगर नहीं भी है तो वी विल डू इट इन द नेक्स्ट क्लास ऑल्सो, दैट डजेंट मैटर, कि बहुतों को समझ में आती है बहुतों को नहीं, तो हम क्लैरिफाई कर लेंगे उससे। सो नोट दिस डाउन, स्टडी वेल, गो थ्रू व्हाटएवर वी आर डूइंग इन द पास्ट फ्यू डेज, एंड थैंक यू वेरी मच।